1 रुपए की सिक्के की कीमत शायद अब उतनी नहीं रही जितनी पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब 1 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर हुआ करते थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक से क्या हो गया, आज के इस डेट के एपिसोड में हम सिक्कों की बात क्यों करने लगे। तो आपको बता दूं, भारत में आज ही के दिन पहली बार 1 रुपए का सिक्का बनकर तैयार हुआ था। नमस्कार, मैं निखिल, स्वागत करता हूँ आप सभी का चेतना मंच के सेगमेंट में जिसका नाम है डेट। आज से करीब 264 साल पहले सन 1957 तारीख 19 दिसंबर भारत देश को अपना पहला 1 रुपए का सिक्का मिला। हमारे रोजमर्रा के जीवन में किसी ना किसी काम के लिए सिक्कों की जरूरत पड़ती ही रहती है। कभी कभी सिक्के ना होने की वजह से बहुत दिक्कत भी हो जाती है, खास तौर पर जब महिलाएं बाजार जाती हैं तो सामान खरीदने में मोल भाव करती हैं और उस समय अगर उनके पास सिक्के ना हों तो बड़ी परेशानी हो जाती है। 1 रुपए का सिक्का हमारे रोज की ज़िंदगी में बहुत काम आता है। रुपए के जितने भी सिक्के होते हैं उन पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन बने होते हैं, जैसा कि आप लोग रोज़ देखते ही होंगे, और उनके बनने का साल उस पर लिखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कब का है और कब बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले देश का सिक्का किसने बनाया था और किस राज्य में सबसे पहले सिक्के का चलन आया था? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको बताते हैं कि क्या है हमारे देश में 1 रुपए के सिक्के का इतिहास। 16वीं सदी में अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, जिसके बाद 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह जहांगीर की इजाज़त से पहला कारखाना सूरत में खोला। तब तक अंग्रेज़ों का भारतीय शासन में कोई दखल नहीं था, लेकिन 1750 के दशक में अंग्रेज़ों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत शासन आना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई जीत ली तब इसके बाद बंगाल के नवाब के साथ एक संधि की गई जिसमें अंग्रेज़ों को सिक्के बनाने का अधिकार मिल गया। इसके बाद कंपनी ने सबसे पहले कोलकाता में टकसाल की नींव रखी। फिर 1757 में पुराने किले के भवन में टकसाल स्थापित की गई। 19 अगस्त 1757 में पहली बार 1 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले सूरत, मुंबई और अहमदाबाद में भी टकसाल की स्थापना कर चुकी थी, लेकिन 1 रुपए का सिक्का कोलकाता की टकसाल से ही पहली बार निकला। सूरत में सबसे पहले टकसाल स्थापित हुई थी, लेकिन मांग के अनुसार सिक्के ना बना पाने के कारण 1636 में अहमदाबाद में एक और टकसाल शुरू की गई। इसके बाद सन 1672 में मुंबई में भी टकसाल की स्थापना की गई। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अलग अलग सिक्के चलन में थे। पूरे देश में अलग अलग सिक्के प्रचलन में होने की वजह से व्यापार में बहुत तरह की दिक्कतें आने लगीं। फिर व्यापार में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए 1835 में यूनिफॉर्म क्वाइनेज एक्ट पारित किया गया, जिसके बाद सभी टकसालों में एक जैसे सिक्के जारी किए जाने लगे। उस समय चलने वाले सिक्कों में अगले भाग में ब्रिटिश शासकों या महारानियों के चित्र बने होते थे। इनमें से महारानी विक्टोरिया का चित्र सबसे प्रमुख हुआ करता था। फिर सन 1947 में देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी ब्रिटिश काल के सिक्कों का चलन भारत में 1950 तक रहा। आज़ादी के बाद भारत का सिक्का सन 1950 में पहली बार ढाला गया। इसके बाद 1962 में 1 रुपए का सिक्का चलन में आया, जो कि समय समय पर बदलावों के साथ आज तक बाजारों में चल रहा है। आज की डेट में बस इतना ही। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली डेट पर। अपना ख्याल रखिएगा।